रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बेटा रिजोल्यूशन का मीनिंग होता है तोड़ना, आप किसी चीज को तोड़ो, ठीक है भैया, तो उसका मतलब होता है रिजॉल्व करना, तोड़ना, ठीक है भैया। तो हम यहाँ पे वेक्टर को तोड़ेंगे, वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है भैया। जो वेक्टर टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल मतलब कि जिसके पास एक्स का भी कुछ पार्ट हो और वाई का भी कुछ पार्ट हो, तो ऐसे वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है भैया। इसी को हम रिजोल्यूशन, मतलब एक्स के अलाउ अलग तोड़ना, वाई के अलाउ अलग तोड़ना, इसी को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो देखिए भैया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इसका मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। इसका मतलब क्या भी है तोड़ना। चलो दिख रहा है, एक सेकंड देखिए भैया, मान लीजिए मैं किसी भी चीज पे फोर्स लगाता हूँ, नॉर्मल सी एक बात है, ठीक है भैया, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, नॉर्मल सी एक बात है। अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए ऐसे, तो बॉडी किसके अलावा मूव करेगी, केवल किसके अलावा मूव करेगी, अगर आप इस तरीके से मूव करा रहे हैं, एक्स के अलावा फोर्स लगा रहे हो, तो बॉडी किसके अलावा मूव करेगी, केवल एक्स के अलावा मूव करेगी, ठीक है भैया। मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है भैया। और अगर आप बॉडी के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हो, वाई एक्सिस के अलावा, ठीक है भैया, ये y एक्सिस है, तो बॉडी क्या करेगी भैया, मूव्स अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, ठीक है। लेकिन अगर आप बॉडी के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हो, इस तरीके से, ठीक है भैया, तो ये बॉडी, ये x है और ये बॉडी y एक्सिस, तो ये बॉडी आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, भैया क्या होगा, ये बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी कैसे बिहेव करेगी, दोनों एक्सिस के अलोंग मूव करेगी, दोनों एक्स के अलोंग मूव करेगी, एक्स के अलोंग भी वाई के अलोंग भी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे केवल मोशन एक्स के अलोंग हो रही है, तो यहाँ पे अगर केवल एक के एक्सिस के अलोंग हो रही है मोशन, ठीक है भैया, कंडीशन बता रहा हूँ मैं, अगर केवल एक्स के अलोंग फोर्स लग रहा है तो बॉडी एक्स के अलोंग मूव करेगी, वाई के अलोंग फोर्स लग रहा है तो बॉडी वाई के अलोंग मूव करेगी। ऐसे ही बिल्कुल सेम बॉडी अगर ऐसा एक्स वाई प्लेन, देखो ये एक्स वाई में लग रहा है, इसके पास ये ऊपर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ठीक है भैया। ये वाला जो वेक्टर लग रहा है ये क्या है, प्लेन वेक्टर है, और आपको पता प्लेन, जो भी वेक्टर प्लेन में होता है, ठीक है भैया, उसका इफेक्ट वाई पे भी होता है, उसका इफेक्ट एक्स पे भी होता है। तो एक्स वाई प्लेन पे तो इस फोर्स का दो दो इफेक्ट होंगे, तो इस वेक्टर को हम रिजोल्व करते हैं। तो देखिए भैया, इसके इस फोर्स के हिस्से में वाई का, ये मान लीजिए थीटा एंगल से लग रहा है, ये इन्हें जमीन के साथ कितना एंगल बना रखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इसने थीटा एंगल बना रखा है, ठीक है भैया। इस फोर्स वेक्टर की वैल्यू कितनी है भैया, ऐसा, इस फोर्स वेक्टर की वैल्यू कितनी है भैया, ऐसा। तो बेटा इसको रिजॉल्व करेंगे, जो एक्स के अलावा होगा फोर्स का वेक्टर, जो एक्स के अलावा फोर्स वेक्टर रहेगा उसको हम एफ एक्स लिखते हैं, और जो वाई के अलावा फोर्स वेक्टर लग रहा होगा वो एफ वाई कहलाएगा, ठीक है भैया। तो नाउ कैलकुलेशन ऑफ, नाउ कैलकुलेशन ऑफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई, दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए भैया, एफ एक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो भैया देखिए एफ एक्स इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको ये वाला फोर्स दिया हुआ है जो कि ऐसे लग रहा है, ठीक है भैया, और एंगल भी दे रखा है आपको, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है। तो भैया आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो आपका कॉस थीटा, बेस क्या भी आपका एफ एक्स, और हाइपोटेन्यूस क्या भी आपका एफ, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया, एफ कॉस थीटा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एफ कॉस थीटा, मतलब जो इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट है, मतलब ये दोनों के अलावा मूव कर रहा है ना, ये एक्स में भी मूव कर रहा है, ये वाई में मूव कर रहा है, तो जो एक्स के अलावा मूव कर रहा होगा वो इस वाले फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, जो एक्स के अलावा ऐसे जा रहा होगा, मतलब आपको पता ही है जब फोर्स ऐसे रहेगा तो ये आगे बढ़ेगा, ऊपर भी जाएगा, तो जो ये आगे बढ़ेगा वो इस कंपोनेंट की वजह से बढ़ेगा आगे, ठीक है भैया, एंड
साइन थीटा क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है भैया। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर क्या है देखिए, एफ वाई, एफ वाई और हाइपोटेन्यूज क्या भैया? तो एफ वाई की वैल्यू क्या भैया? एफ साइन थीटा। एफ वाई की वैल्यू क्या भैया? एफ साइन थीटा। तो बॉडी जो आपकी वाई के अलावा मूव करेगी, जिस फोर्स की वजह से वाई के अलावा मूव करेगी वो कंपोनेंट आपका ये रहा, जिस फोर्स की वजह से ये बॉडी एक्सटर्नल मूव करेगी वो कंपोनेंट ही ये रहा, ठीक है भैया। तो इस केस में हम रिजोल्यूशन नहीं कर सकते, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब की वेक्टर को तोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये वाला वेक्टर केवल सिंगल डायरेक्शन में, यूनिट डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में जो वेक्टर लगता है उसको आप रिजोल्व नहीं कर सकते। इसको रिजोल्व कर पाएंगे? ये वेक्टर, ये जो फोर्स वेक्टर लग रहा है, क्या हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं? नहीं भैया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में लग रहा है, ठीक है भैया। एक्स, एक्स क्या भैया? वन डायमेंशन है, तो ये फोर्स वन डायमेंशन है, इसीलिए इसको रिजोल्व हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये फोर्स क्या है? वन डायमेंशन, ठीक है भैया। ऐसे ही ये फोर्स भी क्या है? वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन है, ये वाला डायमेंशन, ये भी वन डायमेंशन है, केवल ये वन वाई एक्सिस के अराउंड लग रहा है, ठीक है भैया। इसको भी रिजोल्व नहीं कर सकते, इसको भी रिजोल्व नहीं कर सकते, ठीक है भैया। और इस वेक्टर को हम रिजोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये मोशन क्या कर रहा है भैया? प्लेन में लग रहा है, ये टू डायमेंशन है, ये वाई के अलावा इस बॉडी को ले आएगा, एक्स के अलावा ले आएगा, इसलिए हमने इसको रिजोल्व किया। जो वाई के अलावा इसको ले जा रहा है वो ये वाला फोर्स है, जो एक्स के अलावा इसको चला रहा है वो ये वाला फोर्स है। इस वाले फोर्स की वजह से एफ एक्स यानी एफ कॉस थीटा की वजह से किसके अलावा मूव करेगा? अलोंग एक्स एक्सिस, और एफ वाई यानी एफ साइन थीटा की वजह से किसके अलावा मूव करेगा? अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है भैया। तो जो भी वेक्टर आपका प्लेन में लगेगा, जो भी वेक्टर आपका प्लेन में लगेगा यानी टू डायमेंशन वेक्टर रहेगा, उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा? ठीक है, क्लियर है भैया? थ्री डी में लगेगा? हेलो सोमिया, क्या पे क्वेश्चन था कि हम रिजोल्यूशन क्यों करते हैं? हाँ जी सर। एक्चुअल में देखो, जैसे मैंने बोला वन डायमेंशन मोशन, तो इसमें मुझे पता है कि पूरा जो फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है फोर्स की, है ना? मुझे पूरा पता है भैया फोर्स जो है वो एक्सटर्नल लग रहा है, फोर्स की वैल्यू एक्सटर्नल कितनी है, समझ में आई बात? नहीं? हाँ जी सर। अगर फोर्स केवल वाई के अलावा लग रहा है तो भी हमें पता भी है जो मोशन हो रही है वाई कलर की फोर्स की वजह से हो रही है, और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। लेकिन अगर बॉडी दो डायमेंशन में मूव कर रही है, प्लेन में मूव कर रही है, तो उसका उस वो जो फोर्स है उसका इंपैक्ट दो डायमेंशन में होने की वजह से उसका एक्स के अलोंग भी होगा और वाई के अलोंग भी होगा उस फोर्स का इंपैक्ट। अगर दोनों के अलोंग नहीं होता तो प्लेन में मूव ही नहीं कर पाती बॉडी, हाँ या ना? अगर एक्स के अलोंग मूव कर रही है और वाई के अलोंग मूव कर रही है, तो इसका मतलब एक्स के अलोंग भी फोर्स कर रहा है और वाई के अलोंग भी फोर्स कर रहा है, ठीक है? तभी वो बॉडी आगे बढ़ पा रही है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि ये एक्स के अलोंग कितना कंपोनेंट है, कौन सा फोर्स का कितना कंपोनेंट है जो एक्स के अलोंग लग रहा है, और फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो वाई के अलोंग लग रहा है। तो इसीलिए हम एक्स और वाई का मतलब एक्स के अलोंग फोर्स और वाई के अलोंग फोर्स को जानने के लिए हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग। उस फोर्स का इंपैक्ट एक्स के अलोंग कितना है, उस फोर्स का इंपैक्ट वाई के अलोंग कितना है, समझ गए? हाँ जी सर। इस वजह से हम रिजोल्यूशन करते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी किसी को डाउट तो नहीं इसमें कुछ भी? नहीं भैया। चलो भैया मिटो रहा हूं इसको। अब देखिए, मैं सबके साथ यही करूंगा, बिल्कुल सेम इसी पैक करूंगा। मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, इसका मोमेंटम है पी, ये पी मोमेंटम, और इधर है ना रिजोल्यूशन हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का ही हो सकता है, ठीक है? तो ये क्या भी है, ये जो मोमेंटम है ये वन डायमेंशनल है या टू डायमेंशनल है?
टू डायमेंशन, टू डायमेंशन ऐसा होता तो एक्स के लॉन्ग होता यानी वन डायमेंशन होता, ऐसा होता तो वाई के लॉन्ग होता वो भी क्या होता वन डायमेंशन होता, लेकिन ये ऐसा है तो इसलिए क्या होगा ये टू डायमेंशन होगा। तो बेटा इसको रिजोल्व करते हैं, ठीक है भैया, तो मैं डायरेक्ट रिजोल्व करूंगा, ठीक है भैया, इसके अलावा कितना मोमेंटम आएगा भैया बताइए, पी एक्स, और इसके अलावा कितना है भैया पी वाई, भैया बॉडी के पास जो मोमेंटम है वो टू डायमेंशन है, टू डायमेंशन मतलब एक्स के अलावा भी कुछ है और वाई के अलावा भी कुछ है, चलो एक्स और वाई के अलावा निकालते हैं, ठीक है भैया, तो इसको लिख देते हैं भैया, चलो कॉस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेटा कॉस थीटा, बेस क्या बच्चा पी एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या भैया पी, इस वेक्टर की वैल्यू मतलब क्या भैया पी, तो पी एक्स की वैल्यू क्या बेटा पी कॉस थीटा, और आपको पता भैया साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या भैया पी वाई और हाइपोटेन्यूज क्या भैया पी, तो पी वाई की वैल्यू क्या भैया पी साइन थीटा, बेटा क्लियर है ये रेजोल्यूशन, क्लियर है अब क्लियर है रेजोल्यूशन, जल्दी बताओ हाँ या ना, हाँ भैया, हाँ भैया। तो अब हम सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए बेटा ध्यान रखना, ठीक है ये तो ठीक है, लेकिन अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये नहीं बनाऊंगा, ठीक है, ये क्या हो गया भैया वाई के लॉन्ग और ये क्या हो गया एक्स के लॉन्ग, तो इसको रिजोल्व कीजिए, ये क्या होगा पी वाई, ये यहाँ पे पी वाई था ना, तो इसको पी वाई कर दीजिए, क्योंकि ये भी वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर दोनों क्या है दूसरे के पैरेलल है, उनकी डायरेक्शन क्या सेम है, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं उनकी डायरेक्शन सेम होती है तो वो दोनों क्या कहलाते हैं इक्वल वेक्टर या सेम वेक्टर, याद है आपको बेटा इक्वल वेक्टर सेम वेक्टर डेफिनेशन, इक्वल वेक्टर सेम वेक्टर की डेफिनेशन याद है आपको, हाँ भैया दो वेक्टर जिनके डायरेक्शन, तो जो जो यहाँ पे पी वाई खींचते थे अब वहां पे पी वाई नहीं खींचेंगे बार बार, हम इसको पी वाई इधर कर दिया, ठीक है ये हो गया, ठीक है बेटा, चलो आप देखिए पी एक्स की वैल्यू कितनी रखी बेटा, पी एक्स की वैल्यू पी एक्स की वैल्यू पी कॉस थीटा और पी वाई की वैल्यू क्या रखिए पी साइन थीटा, तो देखिए भैया जब भी जिसके साथ एंगल बन रहा होगा वो क्या बनेगा हमेशा कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल ही बनेगा जो परपेंडिकुलर लाइन होगी क्या होगी भैया पी साइन थीटा, आप देखिए भैया अब आपको बताइए ये रोलर है, रोलर को मैं एफ फोर्स से खींच रहा हूं, रोलर को मैं एफ फोर्स से खींच रहा हूं, ठीक है भैया, तो अब देखिए रोलर का वेट नीचे लगता है, ये जमीन है फ्रिक्शन इधर है, ठीक है भैया, जब रोलर इधर की तरफ लगता है चाहे आगे बढ़ेगा तो भैया आपको पता है जब फोर्स आप इधर लगाओगे रोलर आगे की तरफ बढ़ेगा तो भैया क्या होगा फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा, चलो इस फोर्स को रिजोल्व करते हैं, ये फोर्स वन डायमेंशन टू डायमेंशन होता है थीटा, बताइए टू डायमेंशन है, टू डायमेंशन बेटा इसको रिजोल्व करो क्या हो बेटा एफ कॉस थीटा और ये क्या हो बेटा एफ साइन, अभी किसी को दिक्कत है, अभी किसी को दिक्कत है, मैं सीधा कर लू ट्राइंगल ट्राइंगल ही बना रहा मैं सीधा कर रहा हूँ, ठीक है भैया आप देखिए कंडीशन क्या है, कल एक बच्चा बोल रहा था मेरे से कि यहाँ पे इसके अलावा भी फोर्स लग रहा है, इसके अलावा भी फोर्स लग रहा है, ये बॉडी ऊपर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये कंपोनेंट क्या कर रहा है वेट को बैलेंस कर दिया, क्या कर रहा भैया ये वाला कंपोनेंट वेट से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है भैया, तो एफ साइन थीटा इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन, जब भी आप देखोगे किसी रोलर के ऊपर आप टू डायमेंशन फोर्स लगा रहे हो, ध्यान दीजिए भैया किसी रोलर के ऊपर आप टू डायमेंशन, देखो रोलर देखा आपने रोलर जिसे ऐसे खींचते जिसे घास वास ऐसा, ठीक है उस पर टू डायमेंशन फोर्स लगाते हैं लेकिन वो चलता है एक्स के लॉन्ग में, कभी सोचा आपने कि दो टू डायमेंशन फोर्स लगा रहे हैं तो वाई के लॉन्ग में भी चलेगा, वाई के लॉन्ग में चलना चाहिए, आपने भी बहुत भारी होता है अटैची देखी है, अटैची अटैची देखी है, हाँ भैया वो जिसमें वो पहिए होते हैं अटैची, तो उस अटैची में तो उसको भी टू डायमेंशन फोर्स खींचते हैं लेकिन वो चलता है केवल एक्स के लॉन्ग में, वन डायमेंशन चलता है, तो रीजन क्या होता है, रीजन यही होता है, देखिए बता जो यहाँ पे एफ साइन थीटा है वो वेट के बराबर हो जाता है इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन, जब भी आप हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हो टू डायमेंशन फोर्स के केस में, इन टू डी केस इन टू डायमेंशन फोर्स, यानी भैया इन हॉरिजॉन्टल मोशन इन टू डी मोशन, देखिए भैया इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन इन टू डी फोर्स, जब आप टू डी फोर्स लगा रहे हो और उसमें हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है तो क्या होगा भैया उस केस में एफ साइन थीटा किसके बराबर होगा, एफ साइन थीटा वेट के, ठीक है भैया, एंड अगर देखिए भैया बॉडी आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब देखिए अगर ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाए
देखिए ये वाला कंपोनेंट तो इसको बराबर हो जाएगा, मतलब इस चीज का इंपैक्ट खत्म, जब ये वाला कंपोनेंट वेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है भैया, इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट इस वेट के बराबर हो जाएगा तो ये ऊपर मोशन नहीं ला सकता, क्योंकि ये वेट ने इसको काउंटर बैलेंस कर दिया, इसका रोल को खत्म कर दिया, इसके रोल को जीरो कर दिया। लेकिन अगर आपका एफ कॉस थीटा इस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, एफ कॉस थीटा, देखिए एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन बराबर होगा तो क्या होगा, तो बॉडी चलेगी नहीं, एक्सटर्नल होगी। मेरी बात सुन रही? देखिए भैया ये कंपोनेंट इसके बराबर है इसलिए बॉडी क्या होती है, ऊपर नहीं जाती, ठीक है भैया। लेकिन अगर आपका एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है तो उस केस में बॉडी आगे बढ़ेगी नहीं, लेकिन अगर आपकी बॉडी आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब एफ कॉस थीटा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है ज्यादा है, ठीक है भैया। इन केस भैया अगर देखिए भैया ये लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया आपने कि भैया अगर बॉडी आपकी केवल हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है टू डायमेंशन फोर्स के केस में, इन केस ऑफ टू डायमेंशन फोर्स, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन, इन यार ये तो अलग ही लिख दिया, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है भैया, 2D फोर्स हो आपका, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन हो और आपका क्या हो भैया 2D फोर्स हो, तो उसमें जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये वाला एफ साइन थीटा, इस फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो वेट को काउंटर बैलेंस कर देता है, मतलब कैंसिल कर देते हैं दोनों दूसरे को, ठीक है, यहाँ पे इनकी वैल्यू कैंसिल आती है। अब बचे ये और ये, अगर ये वाला फोर्स इसके बराबर है यानी एफ कॉस थीटा, कॉस थीटा फ्रिक्शन के बराबर है तो नो हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, अगर ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर है तो इस ये फिर भी नहीं चलेगा, अब चलेगा कब, जब एफ कॉस थीटा यानी ये वाला कंपोनेंट इससे ज्यादा होगा, ठीक है भैया, हॉरिजॉन्टल मोशन। अभी क्लियर है ना, किसको किसको क्लियर है भैया, किसको किसको क्लियर है भैया, अगर एफ ज्यादा हुआ तो फिर और उससे एमजी से ज्यादा हुआ तो वो मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग भी वो करेगा ना मूव, बिल्कुल, अगर एफ साइन थीटा वेट से ज्यादा हो गया, देखिएगा ना हल्की बॉडी पर टू डायमेंशन फोर्स लगाता है तो थोड़ा ऊपर भी उड़ जाती है, किसने किसने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हल्की बॉडी के ऊपर टू डायमेंशन फोर्स लगाओ तो आगे बढ़ के थोड़ा ऊपर भी उड़ जाती है, ये जैसे पतंग पे मांझा जैसे पतंग पे मांझा बांध के अगर हम भागे तो पतंग उड़ने लग जाते हैं, कौन है पतंगबाज, हाँ कुछ कह सकते हैं ऐसे कुछ आसपास का मामला, समझ गया, हाँ भैया, हाँ भैया, किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से हम रिजॉल्व करते हैं और इसलिए रिजॉल्व करते हैं हम सारे वेक्टर्स, ठीक है भाई, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लीजिए बेटा, मिटा दू, हाँ भैया मिटा दो, सौम्या एनी क्वेश्चन, नो सर, अब देखिए भैया चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर बेसिक बेसिक से, देखिए भैया ये बॉडी है इसके ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स लगा है और इसने 60 डिग्री का एंगल बना रखा है, 60 डिग्री का एंगल बना रखा है, तो बोल रहा भैया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ध्यान दीजिए भैया, अगर इसके अंदर केवल हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है, ठीक है, मूव्स दिस ब्लॉक मूव्स अलोंग दिस ब्लॉक मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, ये भैया ये ब्लॉक केवल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो इसका मतलब बताइए, बताइए पहले एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, दूसरा एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, तीसरा इसका वेट क्या होगा, इस ब्लॉक का वेट क्या होगा, चलो भैया बताइए एफ एक्स की वैल्यू, एफ वाई की वैल्यू और तीसरा इसका वेट, वेट क्या होगा, जल्दी बताइए बेटा, एफ एक्स एफ वाई और वेट, चलो देखते हैं, देखिए बेटा आसान सा क्वेश्चन है, तो बेटा ये क्या होगा एफ एक्स, क्या होगा बेटा ये एफ एक्स है ना, और एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा एफ कॉस थीटा, ये क्या होगा बेटा एफ वाई और इसकी वैल्यू क्या होती है एफ साइन थीटा, याद है बच्चा, और नीचे क्या लगता है इस ब्लॉक का वेट, ये ना वेट नीचे, तो आपको पता है केवल हॉरिजॉन्टल मोशन है, टू डायमेंशन फोर्स के केस में केवल हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो इस केस में क्या होता है भैया एफ वाई इक्वल्स टू में वेट ऑफ द बॉडी, एफ वाई है क्या, एफ वाई है आपका बेटा एफ साइन थीटा इक्वल्स टू में एम जी,
बेटा एफ की वैल्यू, चलो पहले एफ वाई निकाल लेते हैं। एफ वाई क्या भैया, एफ साइन थीटा, और एफ एक्स क्या भैया, एफ कॉस थीटा। ठीक भैया, एफ एक्स क्या भैया, एफ कॉस थीटा। एफ वाई की वैल्यू क्या बेटा, एफ क्या बच्चा, एफ क्या है तो बोलो, न्यूटन, चार न्यूटन। और साइन क्या होगा, एंगल कितना भैया, 60 डिग्री। तो चार साइन 60 का होता है, √3/2, यानी क्या हुआ 2√3 न्यूटन, यानी आपके